आई रॉट मैनी वर्ड्स, बट ये वर्ड्स हैं जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे. एक्चुअली वुमेंस डे पे मैं TI में थी एंड मैंने कुछ सुना कि एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ. आई थिंक सभी को पता होगा. देट वॉज रियली वेरी वर्स्ट थिंग. मैं इंदौर में तो कभी ऐसा नहीं सोच सकती थी, इंदौर. सो मैंने उस चीज़ के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं. मैं उनका दर्द एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बिकॉज वो पेन में एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगी ना मैं कर सकती हूँ. बट कुछ मैं अपना दर्द उनके लिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इन शब्दों से. ब्लड बॉइल्ड इन एवरी वैन लाइक अ फ्लिकर इन एवरी फ्लेम tears streaming from her eyes because her life is built on lies. The game started out fun, turned drastically fear. That fear which no one can hear, even I and you. Yes, that fear which no one can hear. He was nothing but a dirty man who made her a toy starting playing a game. It's okay, he did. But let me know, did she fulfill his need? Sure, it doesn't matter that he made her bleed. It's okay. But let me know, did she fulfill his needs? Sure, it doesn't matter that he made her bleed. The things which he was doing, ruthless and cruel. She will never forget that dark and dirty floor. There is a fake respect. Sorry, मैं किसी सोसाइटी या समाज या किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहूँगी, बट एक मूवी आई थी शायद थोड़े दिन पहले, सबको पता होगा, पद्मावती ने बहुत हंगामा मचाया, बहुत ज़्यादा ही. इवन गाड़ियाँ जला दी गई, थिएटर जला दिए गए. सो मुझे वो समझ में आया कि हम इन सब चीज़ों के लिए इतना कुछ कर सकते, बट एक नन्ही सी जान जो शायद इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं समझती होगी, उनके लिए हम कुछ नहीं करते. There is fake respect and drama for the movie like Padmavat. What about that girl who completed only 6 months? A 6 month little angel raped by 26-year man. Can our society can feel her fear and pain? Every girl needs gender equality. Every girl needs gender equality for her fun and freedom and what they wear. But I think gender equality is when a girl can open the door without any fear. Last में मैं बोलना चाहूँगी, after rape हम किसी को क्या बोल सकते हैं कि yes, okay, move on, वो आप वापस से नहीं आएगा, आपको नहीं पहुँच पाएगा, या आपको टच नहीं कर सकता, या आपको देख नहीं सकता, या आपके आसपास नहीं आ सकता. बट क्या आपको पता है वो एक ऐसा साया है जो अंधेरे में भी पीछा नहीं छोड़ेगा. कहीं भी जाए उसे उस चीज़ के लिए डरा के रखेगा. लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या कुछ भी. बस एक क्वेश्चन है पूरी सोसाइटी से, उस 6 मंथ की लड़की ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे और कौन सा वो रात को बाहर घूम रही थी जो एक 26-year-old मैन ने उसका रेप किया. दैट वॉज माई क्वेश्चन. एंड 9 साल की लड़की,
शी वॉज प्लेइंग गेम और उसके साथ ऐसा हुआ। अब मुझे कोई ये बताएगा हाँ उसने छोटी फ्रॉक पहनी होगी इसलिए उस लड़के ने रेप कर दिया, यही होगा कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है रात को, या ठीक है बोलती लड़कियां खुद चाहती हैं ऐसा, सीरियसली लड़कियां ऐसा चाहती हैं? नो वे। वो भी एक लड़की थी जो 9 साल की थी और उसने हाँ नहीं बोली थी, और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। जिस दिन हमने सुना, इवन मेरी फैमिली में मैं सुनती हूँ कि मैंने अपनी लड़की को लड़के के जैसे पाला है, सीरियसली लड़की के जैसा पाला। जिस दिन आप बोलोगे ना कि मैंने अपने लड़के को लड़कियों के जैसे पाला है, उस दिन रेप होना बंद हो जाएंगे। थैंक यू।